Hello friends, I am your maths teacher Mr. Manoj sir, and this is your maths books, maths class. Today I am going to start your exercise 10.2. Before starting this exercise, I am just going about to tell you something about the lesson. So today's maths 10.2 exercise, उसको स्टार्ट करने से पहले जरा देखते हैं कि हमारे पास बेसिक चीजें क्या हैं। सबसे पहले बात, सबसे जो पहली चीज हमारे पास है, हमारे पास बार है। इस तरह का बार होता है, किसी भी नंबर के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट्स, ठीक है। सेकंड है आपके पास सर्कल ब्रैकेट, जो ये वाला सदस्य हमारे पास साइन होता है, ये वाला, ये हमारे पास सर्कल ब्रैकेट, इसको बैठा कर्णी ब्रैकेट, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इन्हीं दो, हमारे पास चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो हम इन्हीं का यूज करके आज अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपकी एक्सरसाइज है 10.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास। 8 × 9 / 6 एक चीज हो रहा है आपके पास, जैसे बोर्ड मास बीओडी एंड एस सब्ट्रैक्शन, ये सम, सॉरी एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस की, ये प्लस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास, और ये डिवाइड, और ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन। तो जितने भी हमारे पास ब्रैकेट है उनके, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास थ्री ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड के साइन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। हम लोग क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो पहले हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें या पहले डिवाइड करें? अगर हमने गलत कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो गलत है, तो यहां हमारी हेल्प करता है बोर्ड मैथ्स। तो हम इसकी गलत देखना शुरू करते हैं, क्या हमारे पास ब्रैकेट है? नहीं। डिवाइड है? यस, पहले हमारे पास डिवाइड है, तो पहले हम डिवाइड, थ्री से नाइन को डिवाइड करो, थ्री थ्री था नाइन, कितना है थ्री, ओके। क्वेश्चन नंबर, तो पहले हमारे पास डिवाइड था, हमने डिवाइड कर दिया, अब देखो क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई, एट थ्री था ट्वेंटी, इस तरह से एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास 28 − 18 / 9, ओके। तो पहले हमें क्या करना, ब्रैकेट है इसमें नहीं, डिवाइड, यस यहां पर डिवाइड है इन दोनों के बीच, तो पहले लाइन से डिवाइड, कितना है 2, तो यहां पर आएगा 2, ये माइनस और ये फिर 20। अब 28 − 2 हमारे पास बचे कितना, 26 आंसर। इस तरह से तो बोर्ड मास के यूज हमें ये बताता है कि पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसको, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। ब्रैकेट हमारे पास इस तरह के होते हैं, ये बार ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रख कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 + 4 और डिवाइडेड बाय 6 − 4, तो देखो जरा हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें सबसे क्या करना है, हमें प्लस करना है, डिवाइड करना है, या ब्रैकेट को देखना है, या फिर माइनस। तो बेसिकली यहां पर जो हमारी चीज हेल्प करती है वो होता है हमारे पास बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट, तो
पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पर, 6 माइनस 4 कितना बचा, 2। ये हो गया हमारा ब्रैकेट का डिवाइड 4 प्लस 15। ओके अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 4 प्लस 15। अब ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है या माइनस है। हमारे पास पहले डिवाइड डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम 4 को, 2 2 4 कितना है, 2। तो यहां 2 है, ठीक है। 15 प्लस 2 7। तो बेसिकली ये है इसमें बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करने का तरीका। इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा। ब्रैकेट में ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ये आपका